यहाँ मैं जब पटना में मौजूद हूँ तो चर्चा की शुरुआत करें, सिलसिले की शुरुआत करें, बताएं कि क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है जो आपने इंटरव्यू अभी देखा, उसकी बड़ी बातें आपको बताएंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये दृश्य जरूर देखना चाहिए। यहाँ से एक पूरी तस्वीर दिखाई देती है पटना की, दूर दूर तक तस्वीर दिखाई देती है। ये एक बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से आपको इधर गोल घर दिखाई देगा, तो आपको यहीं से गंगा दिखाई देगी और उसके बाद आपको दूर तलक का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, अगर मैं कहूँ कैमरामैन से तो वो घुमाएंगे, तो आपको फिर गांधी मैदान भी दिखाई देगा। यही वो जगह है जहाँ इस समय तो चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं, यानी मतदान से पहले यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से बसें खड़ी की गई हैं, गाड़ियां खड़ी की गई हैं। यहां पर चुनाव से पहले की जो तैयारियां हैं उनको आखिरी जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन ये जो तैयारियां हैं ये किस नतीजे में बदलने वाली हैं, किस नतीजे में बदलने वाली है वो बड़ी बात है। और उसी से जुड़ा हुआ है जो हम आज आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान का बड़ा बयान। ये चुनाव की तैयारियां हैं, मतदान से पहले की तैयारियां हैं, लेकिन चिराग पासवान बड़ा हमला कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं 15 साल में बर्बाद कर दिया है नीतीश कुमार ने पूरी तरह से, 15 साल में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं चिराग पासवान। और हमारे साथ इसके अलावा वो ये कह रहे हैं पलायन भ्रष्टाचार अपराध के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर निहुरा प्रसाद यादव मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ चितरंजन गगन मौजूद हैं आरजेडी से। और हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं एलजेपी से। सबसे पहले अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आप ही से मेरा सवाल, 15 साल का जो राजकाज चला है यहाँ पर उसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार क्यों जिम्मेदार है, बीजेपी क्यों जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी के साथ ही सत्ता चला रहे थे ना वो। अरे भाई, नीतीश कुमार की वर्किंग सबको पता है, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो किसी से पूछते नहीं है, आके इम्पोज करते हैं। उसका उदाहरण है 7 निश्चय 7 निश्चय किसका प्रोग्राम है? क्या उन्होंने किसी से सलाह ली बीजेपी वालों से? आंसर है नो। तो वो जो जिस हिसाब से जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, उसी हिसाब से हर चीज के जिम्मेवार वो हैं। अगर भ्रष्टाचार 7 निश्चय में हो रहा है तो उसके जिम्मेवारी उस ऑफिसर की है जिसने गड़बड़ की, या उस मंत्री की है जिसने साइन किए, या उस जो चीफ मिनिस्टर की है जिसने जांच नहीं कराई। देखिए, चिराग पासवान ने दिसंबर में जब ग्राउंड रियलिटी जानने की, तो ये सारी चीजें, यही अहम सवाल मेरा चितरंजन गगन जी से भी है। चितरंजन गगन जी, आप सुन रहे, लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, आप भी यही कह रहे हैं, यानी सब मिलकर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी को क्लीन चिट? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जिस ढंग से उन्होंने शासन चलाया है, मंत्री की भी राय नहीं ली जाती थी, जो जिस विभाग के मंत्री हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता था, और जो मुख्यमंत्री चाहे पूरे 15 साल उसी ढंग से बिहार को चलाने का काम किया। मंत्री जो चाहे भाजपा के हों चाहे जनता दल यू के हों, पूरा पावर जो है सो एक आदमी के हाथ में केंद्रित था, और उनके जो परामर्श देने वाले कुछ आईएएस अफसर, सिलेक्टेड आईएएस अफसर 4-5 रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर पूरा बिहार चलते रहा है। इसलिए निश्चित रूप से जिम्मेवारी नीतीश कुमार की बनती है, और नीतीश कुमार अगर बिहार में विकास नहीं हुआ, गड़बड़ियां हुई, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो इसके निश्चित रूप से सबसे अधिक जिम्मेवार नीतीश जी है। और मैं कहूंगी, एक मुझे आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पटना से मौजूद हूँ। एक बार फिर कोशिश करते हैं हम कि मुझ तक आपकी आवाज आ सके। बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से चिराग पासवान ने सीधा हमला बोला है नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान ने सीधा हमला बोला है नीतीश कुमार के कार्यकाल पर, पलायन भ्रष्टाचार हर बात के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है नीतीश कुमार को ही। नीतीश कुमार की पार्टी से भी हमारे साथ निहुरा प्रसाद यादव जी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। निहुरा प्रसाद यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, ये बता दीजिए कि
नीतीश कुमार की विदाई तो लग रहा है सबने तय कर ली है, बीजेपी ने भी। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं। हेलो, हेलो। और बड़ी खबर यह है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चिराग पासवान ने कहा कि दोषियों को सरकार बनने के बाद जेल भेज देंगे और नीतीश कुमार भी अगर दोषी हुए तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले से एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? तो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर काफी हमलावर हैं। तेजस्वी पर वो बात टाल जाते हैं लेकिन साफ साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हैं जिनकी वजह से बिहार का विकास नहीं हुआ। और गौरव, निहोरा प्रसाद यादव जी से इस पर सवाल ले लेते हैं। निहोरा प्रसाद यादव जी, सबने लग रहा है कि नीतीश कुमार की विदाई को तय कर लिया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, मानेंगे ये? नहीं, नीतीश कुमार जी का विदाई तय नहीं है। नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के गद्दी को संभालेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सुमेरा जी, ये जो लोग नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, ये सूर्य पर थूकने जैसा है। जो थूक रहे हैं स्वयं इनको पर है। लेकिन बीजेपी पोस्टर में उनका चेहरा तक सामने नहीं रख रही है। 15 साल के कार्यकाल को वो मान भी नहीं रहे, गिन भी नहीं रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ फिर मैदान में क्यों उतरे? तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आकर भाषण में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार घोषणा किया कि एनडीए गठबंधन का नेता नीतीश कुमार होंगे, पोस्टर कोई महत्व नहीं रखता है। जब मुंह से वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही, आवाज़ें नहीं मिल रही है भाई, आवाज तो फिर क्या है रहा? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी जी से सवाल ले लेते हैं वापस। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, एक बार फिर नीतीश कुमार वापस सत्ता में आ जाएंगे? बोलिए, बीजेपी का क्या प्लान है? कैसे सत्ता में वापस आ जाएंगे? आप सुमेरा जी ग्राउंड पे हैं, आपको दिख नहीं रहा कि भीड़ जो आ रही है, जनता का जो अट्रैक्शन है वो चिराग पासवान है या तेजस्वी यादव है या मोदी जी की सभाओं में होती है भीड़, तो उनका नीतीश कुमार का कहाँ है? एक बात बताइए, नीतीश कुमार से तो डिस्टेंस बीजेपी ने कर ही लिया है। बीजेपी को भी समझ आ गया कि ये डूबने वाला शख्स है, इसके साथ क्यों खड़े होंगे? बीजेपी अपने आप को अलग कर रही है नीतीश कुमार से, क्या इसी वजह से? क्योंकि आपको लग रहा है कि इनका जो कार्यकाल था उसका बोझ आपके ऊपर भी अब भारी पड़ने वाला है, लेकिन क्या बीजेपी खुद को अलग कर सकती है? आप अपने आप को इस 15 साल के कार्यकाल से अलग कैसे कर सकते हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने साथी प्रवक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, वो चाहे हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हों या देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हों, हम लोगों ने बार बार ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव है इसका नेतृत्व बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार करेंगे और आपके सामने आएगा। 10 नवंबर को आप देखिएगा कि 2/3 बहुमत से एनडीए विजयी होगा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, अहम सवाल मेरा चितरंजन गगन जी से। चितरंजन गगन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो अभी हो रहा है, जो बिहार में अभी हो रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है कि आपको ओपिनियन पोल जो दिखाए जा रहे हैं उसमें कहीं पर भी ज्यादा सीटें नहीं दिखाई दे रही है, आपको 89 सीट तक 90 सीट तक ही लोग दिखा रहे हैं, आपके पूरे गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, ये जो आप अभी कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव युवा में जाकर रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये आखिरकार बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि आप जेडीयू को कमजोर करेंगे लेकिन बीजेपी मजबूत रहेगी। देखिए सुमेरा जी, कल आपके साथ मैं वहाँ गंगा घाट पर, गांधी घाट पर मौजूद था। आपने जो देखा लोगों का जो मानसिकता, लोगों की जो भावना है, उसको आपने देखा कल किस ढंग से लोग तेजस्वी को चाह रहे हैं। देखिए लड़ाई स्पष्ट है, यहाँ पर महागठबंधन 3/4 से ज्यादा सीट लेने जा रही है। भाजपा की लड़ाई अब इसके लिए है, इसीलिए नीतीश जी को अपने पोस्टर से हटा दिया है
कि नीतीश जी के चेहरे पर उसको जो है सो बहुत घाटा होने वाला है, इसलिए नीतीश जी को हटा दिया है और अब वह विपक्ष दल का मानता से पूछ लेते हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, मेरा आपसे सवाल ये कि ये कह रहे हैं चिराग पासवान की जेल में डाल देंगे, ये जो रिवेंज की राजनीति है, ये जो प्रतिशोध की राजनीति है, बदला लेने की राजनीति, कहा जा रहा है कि जेल में डाल दिया जाएगा, सुशासन को जेल में डाल देंगे, ये चिराग पासवान अगर कह रहे हैं 15 साल के लिए, तो उन्हें ये फिर बीजेपी के नेताओं के लिए भी कहना चाहिए कि उनको भी ये जेल में डाल देंगे, सुशील मोदी को भी जेल में डाल देंगे अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, तो बीजेपी को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं अगर इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात रखना चाहते हैं? अरे पॉलिटिक्स में रिवेंज की राजनीति क्या है, ये तो प्रिंसिपल है कि जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के खिलाफ, बीजेपी का भी यही प्रिंसिपल है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। क्या नीतीश का ये नहीं है? क्या नीतीश ये नहीं चाहते कि भाई करप्शन नहीं होनी चाहिए? हमने चिट्ठियां लिखी, हमने पॉइंट आउट किया, क्यों नहीं इंक्वायरी करा ली? ये दिसंबर 2019 की बात है, कम से कम 10 चिट्ठियां लिखी, हमने ये भी बताया कि जो टंकी बाजार में 6000 रुपए की मिलती है पानी की टंकी, वो 18000 रुपए में खरीदी जा रही है, क्यों नहीं कॉग्निजेंस दिया उन्होंने? इससे क्या जाहिर होता है? देखिए राजनीति के खेल में बीजेपी किधर जाएगी ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप भी तो बीजेपी के साथ ही जाने की बात कर रहे हैं आखिरकार। गुरुप्रकाश पासवान जी, बीजेपी का क्या गेम प्लान है? देखिए बीजेपी साथ में शामिल करने वाले हैं आप, ये चिराग पासवान को आप साथ में शामिल करेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री को अपना आइडियल मानते हैं। देखिए सुमेरा जी ऐसा है कि भाजपा का कोई गेम प्लान नहीं है, हम लोग ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, पारदर्शिता में हमारा भरोसा है और हमारे नेतृत्व ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक चिराग जी का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चिराग जी इन चुनाव में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है। पिछले 4 चुनाव का डेटा उठा के देख लीजिए आप, लगभग 498 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, मात्र 44 बार जीते हैं, उनका सक्सेस रेट जो है वो 9% का है, उनका वोटिंग परसेंटेज हार्डली 4% का है, तो किस आधार पे वो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। दिहोरा प्रसाद यादव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये सब जो युवा है ये मिलकर अब ये कह रहे हैं, चिराग पासवान भी, तेजस्वी भी, कि थक गए हैं नीतीश कुमार। जिस सरकार में लालू यादव जी थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं मनमोहन सिंह को कहा कि थक गए हैं मनमोहन सिंह जी? तो ये देखिए सवाल वो नहीं है, ये जो भ्रष्ट लोग हैं जो बिहार को लूटा है, सोनिया गांधी ने लोग मिल गए हैं, बड़ा संदेश जारी किया है, सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि बिहार में सत्ता अहंकार में डूबी हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ना अच्छी कथनी है ना अच्छी करनी है, बिहार में बदलाव की बयार है जो हर तरफ बह रही है, ये कहना है सोनिया गांधी का। और राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का संदेश शेयर किया है, सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश भेजा है बिहार की जनता को जिसे राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि अहंकार में डूबी हुई है, कथनी और करनी दोनों अच्छी नहीं है। ये क्या उस तरफ इशारा है कि नीतीश कुमार आजकल समय समय पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको उनकी जो नाराजगी है वो वोटरों पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है? ये बड़ा सवाल जरूर बार बार पूछा जा रहा है। निहोरा प्रसाद यादव जी, अगर मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछूं, नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है। देखिए लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात जनता के बीच में रखता है, ये खूबसूरती लोकतंत्र का है। लेकिन मुख्यमंत्री के बैठक में जिस प्रकार आरजेडी के लोग झंडे पताके लेकर के जा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को समाप्त करने के 90 के स्थिति में और 92 के स्थिति में ये लोग पुनः ले जाना चाहते हैं। अगर वो सुशासन बाबू हैं जिन्हें मिस्टर कूल भी कहा जाता था, वो क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या ये बौखलाहट है? क्या उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? जो यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है उसमें ये जरूर है कि सब इस समय ऐसा लग रहा है तेजस्वी चिराग मोर्चा खोले हुए हैं नीतीश कुमार के सामने, कोई भी बीजेपी को सीधे टारगेट नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर कोई निशाना नहीं साधा, वो निशाना नहीं साध रहे, मौका नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी का क्या प्लान है इस चुनाव में और चुनाव के बाद वो क्या करने वाले हैं, वही शायद निर्धारित करेगा किसी हद तक की सत्ता किस ओर जाती दिखाई देगी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।